पता है इंडिया की पावर का, कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। कनाडा के आरोपों पर न्यूजीलैंड ने बड़ा सवाल उठा दिया है। एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, न्यूजीलैंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैज क्वेश्चन द लैक ऑफ एविडेंस ओवर पोटेंशियल इंडिया लिंक एज अलेज्ड बाय जस्टिन ट्रूडो। का जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। न्यूजीलैंड का इस मामले पर सवाल उठाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भी फाइव आईज देशों का हिस्सा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छेड़ने की वजह। उन्होंने वेंडर्स के साथ मुलाकात करते हुए ये बोला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं खुद गरीबी जी के आया हूँ। न्यूजीलैंड्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैज क्वेश्चन्ड द लैक ऑफ एविडेंस। यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी की। हाँ बिल्कुल 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 मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। आपको पता है कैनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। अब ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्ल कुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छेड़ने की वजह से। क्या कहेंगे वहाँ की जो अवाम है, वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनका उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया। ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया। ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको जिस तरह आप शोर मचाया जा रहा है, ये इंडिया भाई, इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्रों में नहीं पड़ा हुआ क्योंकि लोगों के साथ। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेंडर्स को के साथ वो मिले हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं खुद गरीबी जी के आए, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेहनत करो। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर वन है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और कामयाब अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो है। यानी कि इसका मतलब ये कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूं। देखिए हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते, जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200, 400, 500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ
ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वज़ीर आज़म नहीं बनना या उनकी बेटी ने वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारे लोगों को अवेयरनेस आए, और तारीफ भी नहीं करता मैं, कंपेयर करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें आप दोनों इकट्ठे आजाद हुए और हम लोग इंडिया से ज्यादा अमीर थे एक टाइम पे सर थे। नहीं ये 19 मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हम अमीर कैसे हुए, लोगों से इमदादें ले लेके, अमेरिका से इमदाद ले लेके, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। आगरा ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्ल कुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने वो चीज दोबारा लाई जाएगी, उसको रिकग्नाइज करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो है दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 1971 में क्या हुआ है। तो बैशर साहब मेरा सवाल ये है कि बात तो अब ये पुरानी हो गई, तारीख बन गई, और अब इस तरीके से बकायदा उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि एक सेल बनाया जाना, तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई खास वजह है कि इसको दोबारा से वो जो है वो कह रहे हैं वो उठाएंगे इस मसले को, और इससे पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या नतीज मुरतब हो सकते हैं? सर ओवर टू यू। देखें जी, पहली बात यह है कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते, इन मानों में कि उन वाकयात के जो असरात और नतायज हैं वो बड़ा अरसा रहते हैं, और उसमें कई दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो उनको उठाते हैं। चूँकि जाहिर है कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत सारी हालात के साथ मशरूत होती हैं। उस वक्त जो 71 की सिचुएशन थी तो उसके फौरन आज़ादी के फौरन बाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा मतालबा यही था कि इससे आगे बनने के से पहले सबसे पहले जो है ये देखा जाए कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हुई है और जो वार क्राइम नस्ल कुशी हुई है उसका जो है वो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान बेस्ड हुक्मरान थे, और उसमें जो फौजी उनके सरबराह थे वो भी वही लोग थे, उसको उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग बांग्लादेश की सरजमीन पे बैठे हुए थे वो भी वही लोग थे, और फिर इस सारे मामले को टैकल करने के लिए जो सिविलियन उस वक्त भेजे गए जिन्होंने जाके जिसकी तरफ आपने बात की कि ज़्यादातर जो ख्वातीन का जो रेप हुए हो या जुल्म तशद्दुद हुआ या बेहरमती हुई उसमें सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसलिए शामिल थी कि उसमें इस तरह के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे जिनको मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेर असर बाकायदा भेजा गया था, जो उस वक्त की मिलिट्री जो क़यादत थी उसकी सरपरस्ती में वहाँ जाके तो बाकौल उनके अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे।